नमस्कार दर्शकों, खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ है विनोद सिसोदिया जी, और विनोद सिसोदिया जी की धर्म पत्नी अनीता देवी जी, जो इस गांव से ग्राम प्रधान है। और बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, मैंने अभी विनोद जी से पूछा, मैंने कहा हम मैडम से बात कर सकते हैं, पर सर ने बोला कि वो इस वक्त खेत में कटाई खेत का कुछ काम कर रही है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे, मतलब देखिए, एक महिला ग्राम प्रधान होने के बाद अपने खेत में काम कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम खास मुलाकात में। सर मैं तो पहले आपका नाम और आपकी वाइफ कहाँ से प्रधान है आप चैनल को बता सकते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है जी, मेरी वाइफ बजेड़ा खुद से प्रधान जी, अनीता देवी जी। सर हम फेस वार्ता से कैमरे हमारे विचार आपके जी जी, और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अनीता देवी जी ने आपने 5 साल में जी क्या क्या काम किए, और विकास की जो भागदौड़ है वो आपके हाथ में है या उनके हाथ में है, कौन सा मानता है? नहीं नहीं विकास की भागदौड़ उन्हीं के हाथ में है, हमारा तो केवल देख रेख का काम होता है। अच्छा अच्छा, काम जहाँ चल रहा है वो देखने चले जाते हैं, बाकी सब वो भी देखते हैं अपना। अच्छा, पे जाके ऐसा नहीं है कि वो ना जाए और हम ही देखते हैं। अच्छा, हम जब आपके गांव में घुसे ना, बड़ा अच्छा लगा जी, सड़कें बहुत अच्छी थी, और अभी कुछ नालियों का भी काम चल रहा था, वो कह रहे हम कर चल रहा है। हाँ चल रहा है, और जगह जगह ना बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई है, बड़ी लाइनें समाज के लिए जरूरी है, ये सब आप करवाते हैं? हाँ नहीं उन्होंने कराया प्रधान, मतलब आपकी वाइफ। हाँ अच्छा 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 प्रधान जी, अभी कुछ पब्लिक की राय ली है जी, मतलब जो आपके प्रधान हैं आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं, तो कुछ मिली जुली सी राय मिली। मैंने पूछा कि उन्होंने कहा यार पट्टे की जमीन मिलती है, लेकिन वो पट्टे की जमीन हमें नहीं मिलती जिसपे वो लीज टाइप पे मिलती है ना, तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? सर पट्टे की जमीन तो इस टाइम दे ही नहीं सकते हम तो NCR क्षेत्र में, NCR क्षेत्र पट्टे वट्टे तो होते ही नहीं। अच्छा, अब 10-15 साल पहले हुए होंगे, उसके बाद में कोई पट्टा किसी के नाम नहीं। अच्छा, पर वो पावर तो होती है ना प्रधान के पास? नहीं नहीं, पावर जब होती है तो सरकार का आदेश होता है। अच्छा, तो किस कम लोगों को मिलती है? वो जो निर्धन लोग होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए मिलती है, पर वो 10 साल से नहीं मिली। अच्छा अच्छा, मतलब प्रधान जी अभी यूपी में योगी सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया, मैं उसकी कटिंग शायद आपके पास आई थी, कि जो भी प्रधान अब चुनाव लड़ेगा जी, तो उसकी चल अचल संपत्ति की पूरी जांच होगी। बिल्कुल होनी चाहिए। तो आपकी, आपको लगता है कि होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और हर प्रधान लगभग जितने भी यूपी में उसमें सही पाए जाए चल अचल। सबके लिए नहीं कह सकता, मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मैं जो जब था वो अब नहीं। अच्छा अच्छा, पहले मैं खुला कमा लेता था अपना 400-500 मजदूरी, अब तो ना वो मजदूरी हुई और गांव के काम में ही लगे रहे, हम तो डाउन चले गए। अपना भी आपकी जो धर्म, हम तो चाहते हैं कि जात हो जानी चाहिए, पता लग जाए। अच्छा, कौन सही है कौन गलत। अच्छा, प्रधान जी एक नया नियम वो लागू कर रहे हैं कि अब प्रधान वही लड़ेगा जिसके घर में 2 बच्चे होंगे, पूरे भारत वर्ष में केंद्र सरकार की, पूरे भारत में खास तो जो पिछड़े वर्ग के गांव है हर गांव में पानी होगा, ऐसे आपके पास कुछ सूचना मिली कि आपको भी एक ऐसा? पानी में हमारा गांव का ओवर नंबर है, हमारे यहाँ का पानी खराब नहीं है, सब हैंडपंप सही हैं और सही जो हमने TDS लगवाए हैं सब ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी मतलब जो नाले होते हैं गंदे नाले होते हैं वो ऐसा कुछ है नहीं गाँव में, दूर है। अच्छा, पता नहीं जो राशन कार्ड, वैसे भी हमने RO लगवा रखे हैं, स्कूल में अलग सा लग रहा है, 3 गाँव में भी लगे हुए हैं और बाकी लोगों ने अपने घरों में भी आने लगा रखे हैं, इसकी दिक्कत है नहीं। अच्छा प्रधान जी, ये राशन कार्ड का कोटा होता है जी, अभी मैंने पब्लिक से पूछा, मैंने कहा कि आपके प्रधान जो है राशन कार्ड बनाते हैं, तो उन्होंने कहा राशन कार्ड बने नहीं बने हमारे पता, तो हमारे राशन कार्ड बने वो तो बना सकते, इस बात का कहाँ तक सच है?
राशन कार्ड का मतलब ये है कि राशन के बारे में ना तो किसानों से राय ली जाती है ना किसानों को। वो कोटा मतलब आपके पास नहीं होता? हमारे पास कोई 5 साल में कोई ऐसा वो नहीं है कि जो हम राशन डीलर से मिले हैं राशन डीलर हमसे मिला या राशन कार्ड का कोई हमारे साइन वगैरह कोई काम रुक गया हो तो हमारे कोई साइन नहीं होता। सेक्रेटरी साहब के साइन होते हैं, आंगनबाड़ी के साइन होते हैं, तो हम क्यों भी होगा। आप कितने लोगों के ऊपर पड़ रहा है? यहाँ 3800 लोग। 3800 लोगों पर ही पड़ रहा है? नहीं, 3800 बोट हैं। 3800 बोट तो आबादी तो मेरे अंदर 10 के आसपास होती है। 10,000 इस गाँव की? तो 10,000 लोगों के ऊपर एक पड़ रहा है जी। आप इससे पहले आपकी वाइफ लड़ी है फर्स्ट टाइम? नहीं, फर्स्ट टाइम। खैर छोड़िए, बड़े हो गए सवाल जवाब। एक मैं आपसे पर्सन सवाल पूछना चाहूँगा। आप जेंट्स हैं और जब आपकी वाइफ पहली बार प्रधान बनी तो उस वक्त आपको उनके ऊपर गर्व महसूस हुआ, आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा एकदम। अच्छा, हमें तो एकदम गर्व महसूस हो गया। कभी हमारे देखने में तो आदमी एक दो जगह पीछे हट जाता है, बजट पीछे नहीं हटती है, वो आगे चलेंगे तो चलेंगे, चलती रहेंगे। उन्हें तो काम करना है, उतरेंगे और रुकेंगे। तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल भाई चाहते हैं दोबारा बिल्कुल दोबारा भी बने और ये ही आगे आते रहेंगे। अच्छा, हम ना चाहिए कोई और सही। अच्छा, बाकी हमारे यहाँ तो लेडीज की सीट रहे तो अच्छा है, लेकिन वो एक नियम है कि एक बार एक एरिया से जनरल को सीट मिलती है एक बार। हाँ, सरकार फैसला नहीं है तो आपकी सीट है जनरल की सीट। जी जी। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी वाइफ को एक बार फिर से मौका मिले और एक बार फिर से मौका मिले और हमने इस गांव को 80% सीसी करा दिया। अच्छा, अगर आपकी वाइफ दोबारा से प्रधान बनती है तो आपकी नई योजनाएं अब क्या है? आपके दिल में बहुत सारी चीजें होगी यार, ये करूंगा वो करूंगा। बहुत सारे काम हमारे रह चुके। अच्छा, रह गए 3-4 सड़कें रह गई हैं, नाले रह गए हैं और जो वृद्धा विधवा की पेंशन है उनमें बहुत लोग रह गए हैं, तो उनके लिए वाले काम करूँ। तो आपको लगता है कि जनता आपको एक बार फिर मौका देगी? जनता मौका देगी हमारे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब 5 साल हम भागे हैं जनता के पीछे, हमने उनके काम करे। अच्छा, हम तक इस गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो हमसे रुष्ट हो। अच्छा, एक भी आदमी। इतनी बड़ी आवाज़ सोच आपकी है जी। अच्छा, लेकिन मुझे तो बड़ी मिली जुली सी सोच भी लगी। नहीं, उसमें ऐसा होता है कि भाई एक दो लोग पता नहीं, आप इतने अपना परिचय उन्हें नहीं दोगे वो आपसे क्या कह बैठे। आप परिचय उन्हें दोगे कि हम वो हैं तो वो सही बताएंगे फिर आपको बात के भाई ये बात है। अच्छा, आपका अपना खुद कोई बिजनेस है? बिजनेस हमारी छोटी सी छोटी की दुकान है, तो सही करते हैं थोड़ी बहुत अपना खेती होता है। अच्छा प्रधान जी, आप कुछ जनता से कहना चाहेंगे, कुछ अपने दिल की बात? जनता से मेरा यही कहना है कि जो भी आदमी काम करे गाँव में काम करे जो आदमी उसे वोट दे उसे जीता मैं हूँ या कोई बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, ये थे विनोद सिसोदिया जी, उनकी धर्मपत्नी अनीता देवी जी, और ये चाहते हैं कि अनीता देवी जी फिर से एक बार प्रधान बने और जनता के हित के लिए कार्य करें, क्योंकि ऐसे ईमानदार और अच्छे लोगों की हमारे देश को बहुत सख्त जरूरत है। और मेरी दिली ख्वाहिश और मेरी टीम की आपको सर बेस्ट विशेष है, और इसी के साथ इजाजत लेता हूँ, मिलते हैं अगले प्रधान से। नमस्कार।